हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फुनेरिया के बारे में एंड इसमें भी हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले फुनेरिया की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होगी। क्लास इसकी ब्रायोप्सिडा होती है, सब क्लास ब्राइडी या फिर यूब्राया होती है, ऑर्डर इसका फ्यूनरेल्स होता है, फैमिली इसकी फ्यूनरेसी होती है। ठीक है, तो ये ऐसा टाइप का फिनेरिया नजर आता है। अब फिनेरिया जो है इसके बारे में अगर हम एक कॉमन सी जो बातें हैं वो देखें, फिनेरिया जो है मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अ कॉमन मॉस। ठीक है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन मॉस होती है एंड फिनेरिया का जो कॉमन नेम होता है ये होता है कोल्ड मॉस। तो ये भी क्या है, एक टाइप की मॉस ही होती है एंड ये बहुत ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन मॉस होती है। इट इंक्लूड्स अबाउट 117 स्पीसीज विच अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसकी जो है 117 स्पीसीज पाई जाती है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। जीनस रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाई 18 स्पीसीज एंड इनमें से 18 स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। विच ग्रो इन क्लोज ट्रफ्ट ऑन डैम्प एंड शेडी वोस रॉक्स एंड ट्री ट्रंक्स। जो कहाँ पे उगते हैं, ये उगते हैं डैम्प एंड शेडी वोस के अंदर, रॉक्स एंड ट्री ट्रंक्स, जहाँ पे शेडी एरियाज होगा वहां पे ये ग्रो करते हैं। दे प्रेफर एल्कलाइन सोइल एंड ये एल्कलाइन सोइल को प्रेफर करते हैं, यानी कि एल्कलाइन सोइल के अंदर ग्रो करते हैं। नेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज द बेस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द जीनस। ठीक है, जीनस की सबसे बेस्ट कॉमन स्पीसीज है जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, यानी इसकी टाइप स्टडीज का गेमिटोफाइट एंड इसका स्पोरोफाइट हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक स्पोरोफाइट होता है प्लांट बॉडी, एक गैमिटोफाइट होता है प्रायोफाइट्स के अंदर। अब इस गैमिटोफाइट के अंदर एक मेन एक्सिस होगा, इससे नीचे की तरफ राइजोइड्स होंगे, ऊपर की तरफ लीव्स होंगे एंड यहाँ पे एक सीटा होगा और ये कैप्सूल होगा स्पोरोफाइट के अंदर। स्पोरोफाइट के अंदर सीटा एंड कैप्सूल यहाँ पे पाए जाएंगे। इसके बाद इसके मिच्योर गैमेटोफाइट के हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करना आज की वीडियो में। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा था बाहर से गैमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है, तो उसी गैमेटोफाइट में इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होगा। द मिच्योर गैमेटोफाइट ऑफ द फिनेरिया कंसिस्ट ऑफ एन इरेक्ट लीफी एक्सिस अटैच टू द सबट्रैक्टम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। यहाँ पे राइजोइड्स होंगे, राइजोइड्स की हेल्प से ही किसी सबट्रैक्टम के ऊपर अटैच होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इरेक्ट लीफी एक्सिस होता है। ठीक है, ये इरेक्ट लीफी एक्सिस यहाँ पे होगा, इसके अराउंड ये लीव्स पाए जाते हैं एंड सबट्रैक्टम से ये जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ठीक है, यहाँ पे राइजोइड्स होंगे जो राइजोइड्स क्या करेंगे, सबट्रैक्टम से इसको एंकर करने में हेल्प करेंगे। The axis up upright. Axis क्या है इसका, ये axis है, ये axis upright होता है, ऊपर की तरफ cylinder होता है, 1-3 centimeter in height and branched होता है, like ये एक इसकी branch नजर आ रही है। ठीक है, ये branched होता है। The branches are lateral as well as extra axillary. अब ये branches या तो जैसे ये main axis हो गया, इसके इधर side या फिर इधर side होगी, वो कैसी होंगी, वो होंगी इसकी lateral branches या तो ये extra axillary हो सकती है। The latter arise below the leaves. ठीक है, and ये क्या करेंगे, leaves के below arise करेंगे। एक्सिस इज कवर्ड विद द लीव्स। अब एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस लीव्स के थ्रू कवर किया जा रहा है। तो लीव्स के थ्रू कैसे कवर किया जाता है, ये विच आर स्पाइरली अरेंज्ड इन 3x8 फाइलोटैक्सी। ठीक है, यहाँ पे ये स्पाइरली एक्सिस के अराउंड स्पाइरली अरेंज होते हैं 3x8 फाइलोटैक्सी के अंदर। फाइलोटैक्सी क्या होता है, लीव्स का अरेंजमेंट अराउंड द स्टेम या फिर मेन एक्सिस के अराउंड जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, इसको फाइलोटैक्सी बोला जाता है। तो यहाँ पे 3x8 का मीनिंग है, इन थ्री कंप्लीट स्पाइरल देर आर 8 लीव्स। एक स्पाइरल, जैसे कि यहाँ पे मेन एक्सिस हो गया, एक स्पाइरल ये हुआ, नेक्स्ट स्पाइरल ये हुआ, फिर ये तीन स्पाइरल हो गए। ठीक है, तो इस स्पाइरल के अंदर भी 8 है, इसके अंदर भी 8 है, 8 लीव्स यहाँ पे हर एक स्पाइरल के अंदर पाए जाते हैं एंड 3 स्पाइरल यहाँ पे होते हैं। तो 3x8 फाइलोटॉक्सी अरेंजमेंट ये शो करते हैं। The leaves crowd at the apex of the stem, forming a bud-like head.
एंड एपिक्स के ऊपर क्या करते हैं, स्टेम के एपिक्स के ऊपर ये जो लीव्स है वो क्राउड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एंड एक बड लाइक हेड ये फॉर्म कर देते हैं। लीव्स होते हैं इसके अंदर, दे आर सिंपल सेसाइल ओवेट एंड हैव अ ब्रॉड मेम्ब्रेनस बेस एंड पॉइंटेड एपिक्स। अब जैसे ये मेन एक्सिस है, एक तो लीफ ऐसे हो, ये लीफ हो गया और ये क्या होती है, पिटियोल होती है। तो ऐसा लीव जो है ये एक सिंपल लीव हो गया, और इसके अलावा एक टाइप का लीव का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि ये क्या होता है, ये बिल्कुल स्टेम से ऐसे लगा हुआ होता है, यहाँ पे कोई पिटियोल नहीं होती है और ऐसे लीव को सिसाइल लीव कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ये पिटियोल नहीं होती है, ऐसे लीव्स को सिसाइल लीव्स बोला जाता है। तो ये जो लीव्स है यहाँ पे सिसाइल है, सिंपल है, ओवेल शेप के हैं एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एपिक्स के ऊपर एक पॉइंटेड एपिक्स यहाँ पे है, मेम्ब्रेनस बेस है एंड एक पॉइंटेड एपिक्स यहाँ पे पाया जाता है। The mature leaves present at the base of the stem have a distinct midrib. अब जो लीव्स मेच्योर हो गई हैं, जो कि स्टेम के बिल्कुल बेस के ऊपर प्रेजेंट है, उनके अंदर एक डिस्टिंक्ट मिड रिब होती है। जैसे कि ये लीव हो गया एंड इसके बीच में एक डिस्टिंक्ट मिड रिब होती है, बट द यंगर लीव्स एट द एपिक्स आर डिवॉइड ऑफ मिड रिब। लेकिन जो यंगर लीव्स होते हैं उनके अंदर एपिक्स के ऊपर डिवॉइड ऑफ मिड रिब होती है, यहाँ पे पूरी तरह लीव के सेंटर में नहीं होती। द लीव्स प्रेजेंट ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द इरेक्ट ब्रांचेस आर वेंट्रल्स ऑफ एंड वेंट्रल साइड ऑफ द प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस आर स्मॉल स्केल लाइक एंड विदाउट क्लोरोप्लास्ट। जो लीव्स लोअर पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल इधर जैसे कि छोटे हो गए लोअर पोर्शन के अंदर है, तो ये लोअर पोर्शन के अंदर जो लीव्स हैं इरेक्ट ब्रांचेस के या फिर वेंट्रल साइड पे, वो कैसे होते हैं, प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस के साइड ऑफ द प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस। जैसे कि प्रोस्ट्रेट क्या होगी, जैसे कि ये ब्रांच हो गई, ये वाली इरेक्ट निकल के गई है, ये प्रोस्ट्रेट होगी, तो इस साइड वेंट्रल साइड में जो लीव्स होंगे एंड जो नीचे की तरफ मेन एक्सिस के नीचे की तरफ लीव्स होंगे, लोअर एक्स लोअर पोर्शन के अंदर जो लीव्स होंगे इरेक्ट ब्रांचेस के एंड जो वेंट्रल साइड में होंगे प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस के, वो कैसे होंगे, स्मॉल स्केल लाइक एंड विदाउट क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, स्मॉल होंगे, स्केल लाइक होंगे एंड विदाउट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। At the base of the gametophore, many branched, cylinder and multicellular rhizoids are absent. Base के ऊपर यहाँ पे multicellular rhizoids पाए जाते हैं। Ultimate branches of the rhizoids are as fine as root hairs. And इनकी जो branches है, जैसे कि rhizoids से निकली फिर इनकी branches हो गई, तो ये branches वैसे ही fine, वैसे ही होती है जैसे कि root hairs होते हैं, उन्हीं जैसी होती है। Rhizoids arise from the basal cells of the axis. And जो basal cells होंगी rhizoid जो main axis की, वहां से ये rhizoids arise होते हैं। They are characterized by presence of oblique septa. And ये characterize की जाते हैं कि इनके अंदर एक oblique septa पाया जाता है इनके बीच में। The young rhizoids are colorless, but at maturity they become strand-like brown, black, or dependent upon the color of the substratum. जैसा substratum का color होगा, उसके according इनका color depend करेगा। इसके अलावा young rhizoids colorless होते हैं, और maturity के ऊपर ये कैसे हो जाते हैं? ये brown, black या फिर substratum के ऊपर depend करता है इनका color. The branches of the rhizoids which are exposed to the light develop numerous chloroplasts. And जो branches rhizoids की sunlight को expose होती है, sunlight के contact में आती है, वहाँ पे chloroplast, numerous chloroplast develop हो जाते हैं। The rhizoids function as anchoring and absorbing organs. ठीक है, ये क्या होते हैं? Absorbing organs होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, हमने देख लिया कि यहाँ पे ब्रांचेस का स्पाइरल अरेंजमेंट होता है 3/8 फाइलोटॉक्सी का, एंड बेस जो होता है यहाँ पे, इसके बेस से जो बेसल सेल्स होंगी वहां से राइजोइड्स निकलते हैं, राइजोइड्स की ब्रांचेस
जुराइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो वैसे ही, इनकी फाइन ब्रांचेस वैसे ही होती है जैसे कि रूट हेयर्स होते हैं। इसके अलावा जो इनके अंदर एक ओब्लिक सेप्टा भी पाया जाता है। राइजोइड्स जब यंग होते हैं ये कलरलेस होते हैं, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनका कलर जो है ब्राउन, ब्लैक या फिर सबट्रैक्टम के ऊपर डिपेंड करता है। और जो राइजोइड्स एक्सपोज होते हैं सनलाइट के अंदर, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डिवेलप हो जाते हैं। राइजोइड्स का फंक्शन है एक तो एंकर करने का सबट्रैक्टम के अंदर, एंड एक ये एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये सबट्रैक्टम से या फिर सोयल से जो भी न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया यहाँ पे इसकी ब्रांचेस के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिनेरिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आज में की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो भी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।